मोदी मंत्रिमंडळना विस्तरणने लईने महत्वना समाचार सामे आवी रह्या छे। जेटला पण संभवित चेहरा छे आ तमामे तमाम चेहराने मळवा माटे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए पोताना आवास स्थाने बोलाव्या हता अने आ तमामे तमाम संभवित चेहरा साथे वडाप्रधान मोदीए बैठक करी छे। जे प्रकारनी हाल विगतो मळी रही छे ते मुजब गृहमंत्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अने राजनाथ सिंह पण आ बैठक में उपस्थित रह्या छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए पोताना निवास स्थाने संभवित चेहरा साथे एक महत्वनी बैठक नु आयोजन करता अत्यारे आ बैठक नी शुरुआत थई चुकी छे। विस्तरण पहला संभवितो साथे चर्चा विचारणा करवामां आवी रही छे, कारण के 43 जेटला जे संभवित चेहरा छे ए संभवित चेहराना हवे टूंक समयमां ज सत्तावार जाहेरात करवामां आवशे। ते पहला आ तमामे तमाम लोकोने वडाप्रधानना आवास स्थाने बोलावामां आव्या, एटले के वडाप्रधाने तेडुं करावडाव्युं अने तमामे तमाम लोको तमामे तमाम संभवित चेहरा हाल तो वडाप्रधानना निवास स्थाने योजायेली बैठकमां उपस्थित छे। आ बैठकमां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अने रक्षा प्रधान राजनाथ सिंह पण उपस्थित छे। मंतव्य न्यूज द्वारा पड़ेपड़ी विगत आपना सुधी पहुंचाड़वामां आवी रही छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीना मंत्री विस्तरण ने लईने जे पड़ेपड़ी विगतो अमने मळी रही छे ए विगतो अमे आपनी समक्ष पहुंचाड़ी रह्या छे। बधु जानकारी आप्या छे समग्र मामले संवाददाता केतन जोशी। केतन, जे संभवित चेहरा छे एनी टूंक समयमां ज सत्तावार जाहेरात करवामां आवशे, परंतु अत्यारे तो वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी साथे तेओनी बैठकनुं आयोजन अने बैठक चाली रही छे। पीएम निवास स्थाने आ बैठक योजाई हती अने फोटोग्राफ्स अंदर जे संभवित मंत्रीओ अने जे वर्तमान मंत्रीओ छे ते तमाम उपस्थित रह्या हता अने सोशल डिस्टन्सिंग साथे आ बैठक योजाई हती, जेमां पीएम नरेन्द्र मोदी एक जे अत्यारे वडाप्रधान तरीकेनी साथे एक सेनापतिनी हैसियतथी एक तमाम ने संवाद साधी रह्या छे। कारण के वन टू वन मीटिंग तो दरेक संभावित मंत्रीओ साथे थई ज हती, परंतु हवे जे तमाम जे अमित शाह उपरांत राजनाथ सिंह अने जे अन्य जे मंत्रीओ जे सीनियर स्तरना छे तेमनी साथे आ बैठक योजाई हती अने जेमां आप जोई शको छो के पीएम मोदी जे मंत्रीओ छे तेमने कही रह्या छे, संबोधन करी रह्या छे अने एवुं पण मानवामां आवी रह्युं छे के जे रिझाइन पड्या छे जेटला मंत्रीओना तेमना कामकाजने लईने नाराजगी व्यक्त करवामां आवी रही हती अने ए नाराजगीने पगले हवे जे पीएम मोदीनुं जे नवुं मंत्रीमंडळ हशे तेमां कोई जातनी कचाश न रही जाय। कारण के आगामी वर्षे मोटा राज्योनी विधानसभा चूंटणी योजानारी छे, तेमां उत्तर प्रदेश अने पंजाबनो समावेश थाय छे, एटले तमाम जे नवा मंत्रीओ छे तेमने एक लेसन अने एक टार्गेट आपी देवामां आव्यो छे अने तमामे तमामे एक स्पीड साथे दौड़वू पड़शे तो ज आ टार्गेट ने अचीव करी शकाशे। ए प्रकारनुं आ संबोधन पीएम मोदी तरफथी रह्युं छे अने कही शकाय के निवास स्थाने हजु हलचल तेज थई गई छे। जी केतन, जे प्रकारे मनसुख मांडविया अने परषोत्तम रूपाला नुं नाम चर्चाई रह्युं छे अने गुजरातना आ बे प्रभावशाळी राजकीय चेहरा, परंतु हवे दर्शनाબેન જરદોસ્તનું નામ પણ ચર્ચા રહ્યું છે, તેને લઈને શું અપડેટ? જાગૃતિ, દર્શનાબેન જરદોસ સુરતના સાંસદ અને આ ઉપરાંત ખેડાથી દેવસિંહ ચૌહાણ અને સુરેન્દ્રનગરથી મુંજપરા આ લોકોના નામ પણ ચર્ચાઈ રહ્યા છે અને સંભવિત ચહેરાઓમાં તે પણ અગ્રસ્થાને ચાલી રહ્યા છે। ગુજરાતમાંથી વધુ ત્રણ મંત્રીઓ મળી શકે તેમ છે અને આજે ત્રણે જે મેં જે નામ લીધા એને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી બનાવવામાં આવે તેવી શક્યતા છે। રાજ્યકક્ષાના મંત્રીઓ જે અગાઉ રહી ચૂક્યા છે તે પુરુષોત્તમ રૂપાલા અને પ્રમોશન સાથે કેબિનેટ મિનિસ્ટર બનાવવામાં આવી શકે છે, તો બીજી તરફ સ્વતંત્ર પ્રભાર જેમની પાસે હતો તે મનસુખ માંડવિયાનું પ્રમોશન પણ નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહ્યું છે। એટલે ગુજરાતનું મોદી મંત્રીમંડળની અંદર વર્ચસ્વ ધીરે ધીરે વધે તેવી શક્યતા છે, કારણ કે આવતા વર્ષે ગુજરાતમાં પણ ચૂંટણી યોજાનારી છે અને એ પહેલા જો ગુજરાતમાંથી વધારે મંત્રી હોય તો ચોક્કસથી ગુજરાતને લાભ થઈ શકે છે અને તમામ સમીકરણોને આધારે આ મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે જેમાં જે રાજ્યોમાં ચૂંટણી યોજાનારી છે તે જગ્યાએ જે એનડીએના ઘટક દળો છે તેમને પણ સાથે રાખીને, કારણ કે જેડીયુ અત્યાર સુધી બિહારમાં એનડીએનું ઘટક દળ રહ્યું છે પરંતુ કેબિનેટ મિનિસ્ટ્રીમાં તેમને સ્થાન આપવામાં આવ્યું ન હતું અને તેમણે સામે ચાલીને અત્યાર સુધી સ્થાન લીધું ન હતું, પરંતુ હવે જે પ્રકારની સ્થિતિ બિહારમાં વર્ચસ્વની જે લડાઈ જે ચાલી રહી છે તેમાં જેડીયુને પણ સ્થાન મળશે અને તેના ચાર મંત્રીઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે, એટલે કે ચાર મંત્રી પદ જેડીયુને સોંપાઈ શકે છે। ગઈકાલ રાત સુધી પેજ ફસાયેલો હતો
ने जेडीयू जे पांच मंत्रालय मांगतु हतु परंतु आखरे हवे चार मंत्रालय उपर बाजी सेट थई होय तेवुं लागी रह्युं छे। आ उपरांत उत्तर प्रदेश अने महाराष्ट्रथी पण नवा मंत्रीपद मळी शके छे अने पश्चिम बंगाळथी वधारे मंत्रीपद सोंपाय तेवी पूरेपूरी शक्यता छे। आभार केतन तमामे तमाम माहिती माटे। तो जे प्रकार अमारा संवाददाताए जणाव्युं ते मुजब मनसुख मांडविया अने बीजा वखत परशोत्तम रूपाला आ बे गुजरातना एवा प्रभावी चेहरा अने राजकीय चेहरा के जेनुं वर्चस्व खूब ज छे परंतु हवे दर्शना जरदोशनुं नाम पण सामे आवी रह्युं छे। तो एक तरफ मोदी ना मंत्रिमंडल ना विस्तरण नी प्रक्रिया चाली रही है, बीजी बाजू ज हवे राजीनामा दौर नी पण शुरुआत थई चुकी छे। स्वास्थ्य प्रधान डॉक्टर हर्षवर्धने पोतानु राजीनामु धरी दीधु छे। हर्षवर्धन नु मंत्रालय बदलाय तेवी शक्यता पण व्यक्त करवामां आवी रही छे। ना साथे ज तेवोनु राजीनामु बाबुल सुप्रियो रतनलाल कटारियानु पण राजीनामु अने आ साथे ज देबूशी चौधरी संतोष गंगवरनी साथे केंद्रीय शिक्षण प्रधान रमेश पोखरियाले पण राजीनामु आपी दीधु छे। पीएम मोदी मंत्रीओना कामकाजथी नाराज थया होय ते प्रकारना हाल तो सूर पण जोवा मळी रह्या छे। स्वास्थ्यने पगले रमेश पोखरियाल मंत्रीमंड परथी हट्या होवानी विगतो सामे आवी रही छे, कारण के तेओए पोतानुं राजीनामु आपती वखते पोतानी नादुरस्त तबियतने कारण जणाव्युं।